संस्कृत को बर्बाद किया बाहर के लोगों ने, आतताइयों ने, चाहे अंग्रेज़ कह लें मुगल कह लें, उन्होंने हमारी मजबूत भारतीय परंपरा को, जिसकी बुनियाद में संस्कृत था, तो उसको, संस्कृत को समाप्त किया, साथ ही हमारी संस्कृति को समाप्त किया, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, उसको जितना मजबूत करेंगे हम लोग उतना ही भारत बलशाली होगा, भारत मजबूत होगा। राष्ट्रवाद की बुनियाद है संस्कृत, भारत की आत्मा है संस्कृत। और जिस तरह हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, संस्कृत के महासम्मेलन की बातें कर रहे हैं, जो आने वाले कल में संस्कृत का महासम्मेलन हम करेंगे, और भारत को भारत से जोड़ने की प्रक्रिया है संस्कृत, और संस्कृत का महासम्मेलन जो हम लोग अगले 2 महीने बाद करने वाले हैं। दिल्ली आगमन हुआ है, दिल्ली बुनियाद रही है, और हर प्रकार की, आज ही दिल्ली महत्वपूर्ण है, और मुगलों के ज़माने में हम भी महत्वपूर्ण थी, उसके पहले भी, चाहे नाम हम जो भी नाम कह लें, हम लोग नाम बदलने के बाद भी दिल्ली ही मजबूत रहा है। हमारी कोशिश है कि हम लोग संस्कृत को स्थान दिला सकें और जन जन की भाषा बना सकें। मैंने जब फिल्म बनाई आम ब्रह्मास्मि, तो लोगों को लगता था पता नहीं क्या किस तरह, आज पिछले 3 सालों में, जब से हमने 3-4 सालों के अंदर जो संस्कृत का को मूल संस्कृत को लेकर उतरे मैदान में, आज एक उद्घोषित नारा बन गया है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि ने वो किया जिसके पहले जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं काम कर रहे हैं सबको नहीं कर पाए। मुझे खुशी है कि हम लोग को संस्कृत का सेवा करने का मौका मिला और लोगों ने प्रतिसाद किया। मैं फिल्म को लेकर बाहर भी गया, मैं चाहे शेक्सपियर घर पर गया, लंदन गया, फ्रांस गया, तो मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई कि लोग भारत की बुनियादी भाषा, जो कई भाषाओं की जननी भारत की, विदेशों की, विदेशी की भाषाओं की जननी भी संस्कृति है, तो लोगों को ये मानना है कि आप जब लेके नहीं आओगे, आप जब नहीं करोगे, तो कैसे दुनिया को पता चलेगा। हमने इंग्लिश अपना लिया और भी कई भाषाएं अपना ली, कठिन से कठिन भाषाओं में काम करने की कोशिश कर रहे हैं कई स्कूल कॉलेज के अंदर, लेकिन संस्कृत में जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ, जो अब हो रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर। बड़ा खुश हूँ कि जो लक्ष्य लिया था संस्कृत को जन जन पहुँचाने का, उसमें हम कामयाब हैं, और विश्व का पहला, पिछली बार भी एक सम्मेलन हुआ था, अब लोग उससे बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं जिसमें दुनिया भर के लाखों विद्यार्थी, तो मुझे लगता है कि लगभग हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी, हर संस्थान जो जुड़ा हुआ है वो ऑनलाइन जुड़ेगा, और कोरोना काल में अगर दिक्कत नहीं हुई तो जो स्टेडियम में हम काम कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे, हज़ारों लोग रहेंगे उस पर भी हम लोग इकट्ठा करेंगे। यानी कि भारत को भारत से जोड़ने की एक प्रक्रिया है संस्कृत, जिसको बुनियाद के रूप में हम लेके चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि भारत का आने वाला कल संस्कृतमय होगा। जैसे मैं आज यहाँ बैठा हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, तो मैं भारत का आने वाला कल देख रहा हूँ कि लोग हाथ में भगवान ध्वज उठाए, भारतीय सनातनी परंपरा को भी साथ में लेके चलते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए संस्कृत बोल रहे हैं, संस्कृत में जीवन जी रहे हैं। हमको अपनी भाषा में गर्व होना चाहिए, हमको अपनी भाषा के को लेने में, देने में, लोगों से संवाद ही करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाहर जब मैं फ्रांस गया या जर्मन गया, तो वो इंग्लिश बात नहीं करते, वो जर्मन बात करते हैं, वो फ्रेंच ही बात करते हैं, बल्गेरियन बात करता है, ऑस्ट्रेलियन बात करते हैं, लेकिन हम बाहरी भाषाओं को अपनाते हैं। ये ठीक है, ठीक नहीं भी है, ज्ञान जितना बढ़े उतना, लेकिन हमको अपनी बुनियादी मातृभाषा के आसपास की जो बुनियादी भाषा है उसको लेकर चलने में गर्व महसूस होना चाहिए। अगर हमें नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, सब शर्मिंदा करते हैं, संस्कृत नहीं आता, उसे कोई शर्मिंदगी नहीं। यहाँ देखिए भारत में हिंदी तो ठीक से कई प्रांत से नहीं बोल पाते, तो हमको उसको मजबूती करना है, चाहे साउथ का हिस्सा हो, चाहे पूरी भारत का हिस्सा हो, चाहे नॉर्थ का हिस्सा हो, जो भी आपस में भाषाई मतभेद है उसको ठीक कर सकता है संस्कृत। और भारत का आने वाला कल संस्कृत में ही निहित है। जय हिंद, वंदे मातरम।